मुजफ्फरपुर में चल रहे महापाप को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अब नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा है और यह खुलकर बोला है कि इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, अगर कोई दोषी है तो उसे बचाने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा। विपक्ष बिना मतलब के इस मुद्दे को बढ़ा रही है। बिहार सरकार लगातार एक्शन ले रही है, सीबीआई के जांच का भी आदेश दिया जा चुका है। इसके बाद विपक्ष का झूठा कैंडल मार्च और प्रदर्शन से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो नीतीश कुमार ने यह साफ किया है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं होगा, उसे सजा मिलेगी, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके साथ जो और लोग जुड़े हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है और बिहार में हुई एक घटना से लोगों को निगेटिव नहीं होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि मीडिया अन्य खबरों को भी दिखाए, बस एक निगेटिव खबर को ज़्यादा फ्लैश ना करे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जो महापाप हुआ है, जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है और उसी तरह उसको भुनाने का प्रयास विपक्ष भी कर रहा है। बिहार बंद का आयोजन, लगातार धरना प्रदर्शन, राजभवन मार्च और कल तेजस्वी यादव का दिल्ली में कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन, इन बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म को इलेक्शन में भी इस्तेमाल करने की पूरी प्रयास कर रहा है विपक्ष।